10 मार्च को आया हुआ परिणाम आज अपने परवान चढ़ेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ आज फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ये इतिहास दोहराया जा रहा है, जिसके चलते भाजपा के समर्थकों में भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। भाजपा में जहां आज तमाम मंदिरों पर घंटे बजाने और पूजा पाठ का आयोजन किया गया था, वहीं बाराबंकी के भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने सुंदरकांड का आयोजन किया है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर भाजपाइयों का उत्साह चरम पर है। बाराबंकी के मंदिरों में जहां घंटे बजाए जा रहे हैं, वहीं भाजपाइयों ने सुंदरकांड का भी आयोजन कर रखा है। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शशांक कुशमेश ने बताया कि जिले में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय को सजाया गया है। इसके साथ ही लगभग 1500 से अधिक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लखनऊ पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश के आम जनमानस बहुत ही उत्साह है कि हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार आज मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। आम जनमानस बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। ये उत्तर प्रदेश के आदरणीय परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह जो होने जा रहा है, उसके हम लोग सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं, भक्तगढ़ लगे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता समर्थक लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और सभी लोग पूजा वंदन कर करके उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाने का कार्यक्रम है। हम अगर एक बात इसमें कहें, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए से शुरू हुआ यह भाजपा का सफर अब सुंदरकांड पर समापन की ओर चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मौजूद हैं और वो यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रहे हैं। पूरे बाराबंकी सहित तमाम उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों में हर जगह पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिस तरह से भक्तों का और भक्तों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो देखने लायक है, और यह उत्साह अभी शाम को 4 बजे जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे तो यह उत्साह एक बार फिर से चरम पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा वन 999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।